जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्रों में जो है वो एक बहुत ही अच्छी खबर कटरा से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बता दे चले कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले तमाम श्रद्धालुओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बताइए जा रहा है कि अब जो है वो आपको माता वैष्णो देवी अगर जाना है, वहां पर दर्शन करने हैं, तो अब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन को लेकर वहां पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह से पहले आप लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था और काफी इंतजार करना पड़ता था अपनी रजिस्ट्रेशन का, अपने RFD कार्ड लेने का, लेकिन अब एक बड़ी सौगात जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम श्रद्धालुओं को दी गई है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करें ताकि अगर कोई आपका चाहने वाला, आपका रिश्तेदार या आपका कोई मोहल्ले वाला अगर माता रानी जी के दरबार में इन नवरात्रों में वहां पर हाजिरी लगाने के लिए जा रहा है तो उस तक ये जानकारी जो है पहुंच सके। दरअसल आपको बताने चले कि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए अब लाइनों में नहीं लगना होगा, क्योंकि कटरा में एक जो है वो एक रजिस्ट्रेशन बूथ जो है वहां पर लगाया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन का सिर्फ QR कोड जो है वो मशीन पर लगाना होगा और तुरंत जो है उन्हें RFD जो कार्ड रहता है वो जो है वो जारी हो जाएगा। श्राइन बोर्ड की बात करें तो इस तरह से 8 जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो वहां पर बनाए जा रहे हैं और वहीं इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए जारी किए जाने वाले जो RFD कार्ड हैं, यानी कि यात्रा कार्ड के रंग भी जो है वो अब उसमें भी जो है वो बदलाव किया गया है, उसे लाल और पीले रंग का जो है वो कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दे चलें कि श्राइन बोर्ड का मानने तो उनका ये कहना है कि इस नए कार्ड के माध्यम से वैष्णो देवी जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी ट्रैकिंग भी इससे जो है वो की जा सकेगी कि आखिरकार, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जब जाते हैं तो किसी का कोई बच्चा वहां पर लापता हो जाता है, तो कोई किसी का बुजुर्ग जो है पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है, उन्हें कॉन्टैक्ट वहां पर उनके साथ वहां नहीं हो पाता है और बाद में उन्हें अनाउंसमेंट वगैरह कराना पड़ती है। लेकिन ये जो नया जो एक ये कहें कि RFD कार्ड के रंग में जो बदलाव किया गया है, लाल और पीले रंग का जो ये कार्ड जो है वो बनाया गया है, जिसमें बोर्ड अधिकारियों का ये कहना है कि इस नए कार्ड के माध्यम से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं की जो ट्रैकिंग है वो भी जो है वो इससे की जा सकेगी। और इसी के साथ साथ आपको बताने चले कि देश भर के लोग जिस तरह से वहां पर, देश विदेश के लोग वहां पर जो है वो तीर्थ करने के लिए वहां पर आते हैं और एक बड़ा ही प्रमुख जो माता वैष्णो देवी जी का दरबार है वो माना जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो है वो माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। खासतौर पर इन दिनों नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों में हर कोई ये चाहता है कि वो इन नवरात्रों में माँ जी के दरबार में पहुंचे और वहां पर जो है वो माँ के दर्शन करें, माँ के चरणों में जाकर अपनी हाजिरी लगाए। लेकिन अब एक बड़ी सौगात है जो कि यहाँ पर जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से दी गई है। और आपको बताते चले कि खासतौर पर इन दिनों नवरात्रों के अवसर पर माँ के मंदिर में एक खास जो रौनक है वहां पर देखने को मिलती है और साथ साथ माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर में कई सारे जो लोगों की भीड़ जो है वो वहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में पहले जिस तरह से काफी ज्यादा भीड़ वगैरह देखने को मिलती थी, इस बार उसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर CASF और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तैनाती वहां पर श्राइन बोर्ड द्वारा जो है वहां पर की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से जो है वो परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। आपको यह भी बता दे चले कि माँ वैष्णो देवी जी को जो है वो त्रिगुटा के नाम से जो है वो जाना जाता है, इसलिए कि इस पर्वत को त्रिगुटा पर्वत जो है वो कहते हैं। और इसलिए आप सब लोग जो है वो जरूर अगर वहां पर जा रहे हैं तो जरूर आप लोग भी कोशिश करें कि जिस तरह से वहां पर एक रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण बूथ वहां पर लगाया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को सिर्फ रजिस्ट्रेशन का सिर्फ जो है वो QR कोड वहां पर मशीन पर लगाना होगा और तुरंत उनको जो है वहां पर RFD कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। तो जनता भी वीडियो को शेयर करें और जरूर बताएं क्या कभी आज तक आप माँ के दरबार में कितनी बार वहां पर दर्शन कर चुके हैं और क्या इन नवरात्रों में आप माता जी के दरबार में गए हैं या फिर नहीं गए हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं। फिलहाल माता रानी जी के आगे हम यही दुआ करेंगे कि माता रानी हर एक श्रद्धालु की जो किसी वजह से वहां पर नहीं भी पहुंच पाए हैं उनकी भी मनोकामना पूरी करे, उनके परिवार को खूब जो है वो तरक्की दे और उनके परिवार को सही रास्ते पर चलाए, उनके परिवार में हर तरह की जो है वो बरकत वहां पर देखने को मिले। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।